बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ये अदला बदली मैं देखकर शॉक्ड हूँ। शॉक्ड इसलिए हूँ कि मुझे हमेशा लगता था कि विवेक बहुत संभालता है अक्षित को, क्योंकि वो है गुरु शिष्य का एक बॉन्डिंग होता है। जैसे अमरदीप आप गौरव को बहुत संभालते होंगे बहुत तरीकों से, लेकिन आप दोनों को साथ में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यू हैव बीन डांसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टुगेदर। एंड अक्षित को बहुत रिलैक्स्ड देखा है एंड ही लुक लाइक अ स्टार। बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट चाहूं पाहूं, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं। वो तारे तोड़ के लाना, चांद तारे तोड़ लाऊं। वेरी नाइस मोमेंट, वो सुपरमैन वाला मोमेंट वो बहुत खूबसूरत था। चाहता हूं। वो रिक्शा स्टार्ट करके जाना, लवली मोमेंट। मैं ये मनवाना चाहता, और एंड का वो स्क्रीच पे हॉल्ट करना। अक्षित टुडे यू आर ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। थैंक यू, सबसे बड़ा। और इस अदला बदली का सबसे खूबसूरत मोमेंट वो था कि जब भी अक्षित ने अच्छा किया तो विवेक ने ऐसा किया। थैंक यू सर। विवेक टुडे आई डिडंट मिस यू एट ऑल, आई डिड नॉट मिस यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब अक्षित जैसा अच्छा शिष्य होगा ना तो हर गुरु उसके साथ काम करने में आसानी महसूस करता होगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी अमर, अक्षित के साथ काम करके कैसे लगा? मैं ये झूठ नहीं कहूंगा, ये लिटरली बहुत मेहनत करता है अक्षित। आप बहुत 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 ज़्यादा मेहनत हो और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। थैंक यू सर। अक्षित आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं सोचता था अरे अमरदीप सर क्या करते हैं क्या करते हैं, गौरव के साथ अमरदीप सर को लिफ्ट्स नहीं आती होगी ऐसा ऐसा। ये सच है। कभी कभी मैं भी डरता था अमरदीप सर छोड़ते नहीं देंगे, अमरदीप सर छोड़ते नहीं देंगे। नहीं ये मुझे पूछता था रिहर्सल में, सर आपको लगी तो नहीं? मैं बोलता था नहीं लगी है तो नाच। अक्षय लेकिन मिस नहीं किया आपने विवेक सर को? किया है मैं जानता हूँ सर, मैं विवेक सर से मिल गया हूँ 2 मिनट, सर मैं विवेक सर से मिल गया हूँ 5 मिनट, ये बहुत मिस करता था विवेक सर को। विवेक सर लेकिन कभी नहीं आए रिहर्सल हॉल में इससे मिलने। इस साझेदारी के लिए तो डेफिनेटली बनता है आज जो भी अपने नायाब टैलेंट से
क्वीन को खुश करेगा, उसे क्वीन तोहफे में अपना ताज देगी, लेकिन अगर आपका टैलेंट उतना नायाब नहीं हुआ तो Thank you, dancers. Thank you, thank you. Shivani and Ritesh was. आप दो हफ्ते से नहीं perform कर रहे हैं ना? क्या हो गया था इसे? मैं actually बीमार हो गया था. अच्छा. और अभी ये देख के मैं बीमार हो रही हूँ. शिवानी छैया छैया सच आइकॉनिक सॉन्ग के आप हमेशा उसे ट्रेन पे ही इमेजिन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपने जो रीमिक्स किया इस गाने का कम्प्लीटली इट वेंट इन अनदर डायरेक्शन तो बिल्कुल वो याद नहीं दिलाया कि ये ट्रेन की बीट चल रही है एंडिंग वॉज जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक So I wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. दिल कलेजे में कलेजे तक आ गया मुंह में है दिल. यार शिवानी क्या पावर है यार यार कमाल की बात ये है ना इस जोड़ी की कि कभी हार नहीं मानते और जो हार नहीं मानते ना जो जीत का हार है उनके गले में ही आके पड़ता है थैंक यू मैम रिदेश दो हफ्ते के बाद व्हाट अ कमबैक बहुत कमाल लगा मुझे ये परफॉर्मेंस थैंक यू सो मच मैम मैं
मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा इजिप्शियन फील जो आपने दिया इस गाने को, फैरोज एंड यू नो क्लियोपैट्रा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट. मेरे लिए ये एक्ट सुपर से बहुत 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 ऊपर. थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम बैक रितेश. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आशीर्वाद है श्राप, मैं किसी भी चीज को छूती हूँ वो बर्फ क्यों बन जाती है? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? पर अरे इतना मत सोचो. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे. मेरी जान मेरे दिल भर मेरा ऐतबार कर लो. मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. तुमसे तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं. इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा. चार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर. मुझे हमेशा लगा था कि द परफेक्ट अंजलि वाज ओनली एंड ओनली शिल्पा, क्योंकि इतनी खूबसूरती से शिल्पा ने इस फिल्म में काम किया था कि देयर कुड बी नोबडी हु कुड हैव डन इट बेटर. यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शिल्पा को देख रहा हूँ परफॉर्म करती. दैट्स द काइंड ऑफ मैच्योरिटी दिस चाइल्ड हैज. आउटस्टैंडिंग. इतनी सी जगह में आपने जो जो क्रिएट किया हुआ, शायद वो पूरा माहौल ही क्रिएट कर दिया स्विट्जरलैंड का, जहाँ मुझे अक्षय भी दिखाई दिया, मैं भी दिखाई दिया, अंजलि दिखाई दी. दिस वॉज परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट द मैजिक ऑफ स्टेज इज. जहाँ आपको अपने किरदार की तरफ वो खींच ही लेता है. एक फुल फ्लेज एक्ट्रेस लगी हो आप. आर्यन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपने एक नया स्टाइल ट्राई किया है अवस्था के साथ.
मुझे ऐसा लगा मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रही हूँ और एक हीरोइन, एक नई हीरोइन का डेब्यू हुआ है आज। अवस्था, हर नई कोशिश की हमेशा सराहना करनी चाहिए। आपकी नई कोशिश के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू मैम। ये डेफिनेटली दूंगी आपको। थैंक यू मैम। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अरे जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ओ शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। अब बताओ आप बड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? दुल्हन। अरे यार इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हो आप। देखो ये आवाज सुनिए। हाँ डॉगी की। ये शादी के बाद महसूस होता है। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, चार दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। शादी करने वाला बस शादी के दिन हंसता है, सारी उम्र वो रोता है इस जाल में जब फंसता है। दर दर फटके, दर दर फटके मेरे यार, देखो इस आफत का मारा। अब बताओ बड़े होकर आप माँ बाप को क्या देना चाहते हो? एक पोता। अरे पागल। देख ये तीनों जजेस में से सबसे कम कौन बोलता है? दादा। क्या सोचे दादा? पर गुरुजी दादा तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। आदमी कितना भी बड़ा डायरेक्टर बन जाए लेकिन लाइफ में कट बीवी ही बोलती है। क्या 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 डर गई हूँ ये एक्ट देखने के बाद। मर गए मेरे अरमान। बेटा एकदम सही बोला, मेरे लाइफ में कट मेरी बीवी ही बोलती है। क्या पकड़ा तुमने यार एकदम। आज मेरे को सक्षम का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा आज का। थैंक यू। वैभव ने उसको उछाला और हवा में बीट पकड़ के किक मारना, मतलब मुश्किल है ये सब छोटा मोटा चीज करना जो आज सक्षम ने किया। तो रियली एंटरटेनिंग एक्ट। मैं एकदम रिलेट किया बेटा एक एक चीज। वो तस्वीरें मुझे लग रही थी मेरी तस्वीरें हैं जो आ रही हैं। आप बीती है बेटा, तुमने दिल को छुआ है। वैभव आई लव यू यार। थैंक यू दादा। वैभव सक्षम, ये जो हर बार आप एक अलग मनोरंजन घोल के देते हैं हमको, इट्स अ मिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड डांस। और जो नशा चढ़ता है इसको पीने के बाद वो कुछ और ही है। वाह। और सक्षम आपके जो एक्सप्रेशंस है ना, आधा एक्ट तो उसी में बन जाता है। आसमान की परी हो चाहे गोरी हो या काली, चार दिनों की चांदनी होती है हर घर वाली। दोनों को मेरा सलाम और वाह। आपके लिए मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मेरे लिए ये एक्ट सुपर से ऊपर 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 वाला था। आई लव इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.